में घुसे और कहे कि जो यदि प्रतिनियोजन नहीं करोगे तो तुमको हम नौकरी नहीं करने देंगे, तुम आए हो यहाँ कानून का राज दिखाने के लिए, हम नौकरी नहीं करने देंगे। आपके साथ मारपीट भी हुआ? हाँ, मारपीट भी हुआ, जिसमें कि मुझे गला दबा दिया गया हमारा, और कमरा में बंद कर दिया गया। कुछ हमारे स्टाफ जो बाहर में थे उन्होंने कमरा को जबरदस्ती धक्का देकर के बंद जब कर रहे थे तो खोला, उसी में सब लोग घुस गए और हमारा गला दबा करके ये कर, जिसमें कि हमारा एक आशीष कुमार नाम का एक कार्मिक को हमारे बदले हमको जो गला दबा जा रहा था उसको चोट लगा, क्योंकि हमको और भी चोट लगता, चोट लगा। और उसके बाद मेरा मोबाइल को देखा जाए, पैर से पटक करके, पैर से हाथ छीन करके, पैर से पटक करके रोन दिया, जो कि ज्वलंत आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है। इसके बाद वो लोग जो है बाहर निकले और कितनी भी संख्या में थे वो लोग? वो लोग संख्या में तो बहुत थे, हम उतना को तो नहीं पहचान, कभी देखे भी नहीं। यानी कि वेतन को लेकर ये माजरा सब हुआ था? नहीं, वेतन वो लोग कह रहे थे वेतन के लिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ वेतन मिलता ही नहीं है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुनने में वेतन का विवाद कहा जाता है। स्थापना के यहाँ होता है और स्थापना जो है इस कड़ी से जुड़े हुए थे, वो वहाँ पर MP हाई स्कूल में नियोजन में थे और उनको ये बात का पता था, और उन लोग वेतन तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देते हैं, ये सब समस्या तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होता ही नहीं है। इन लोग मानसिक रूप से एकदम ये होकर स्वस्थ होकर के आए थे कि आज हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार ऐसा करेंगे कि ये बक्सर जिला छोड़ करके चले जाएंगे। यानी कि आपको हटाने के लिए सब लोग? हाँ हाँ हाँ। पर्चे आपका? मेरा पर्चे विजय कुमार झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, घर हुआ सहरसा जिला चैनपुर। कार्यरत कहाँ है अभी आप? हम बक्सर जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में घुसे और कहे कि जो यदि प्रतिनियोजन नहीं करोगे तो तुमको हम नौकरी नहीं करने देंगे, तुम आए हो यहाँ कानून का राज दिखाने के लिए, हम नौकरी नहीं करने देंगे। आपके साथ मारपीट भी हुआ? हाँ, मारपीट भी हुआ, जिसमें कि मुझे गला दबा दिया गया हमारा, और कमरा में बंद कर दिया गया। कुछ हमारे स्टाफ जो बाहर में थे उन्होंने कमरा को जबरदस्ती धक्का देकर के बंद जब कर रहे थे तो खोला, उसी में सब लोग घुस गए और हमारा गला दबा करके ये कर, जिसमें कि हमारा एक आशीष कुमार नाम का एक कार्मिक को हमारे बदले हमको जो गला दबा जा रहा था उसको चोट लगा, क्योंकि हमको और भी चोट लगता, चोट लगा। और उसके बाद मेरा मोबाइल को देखा जाए, पैर से पटक करके, पैर से हाथ छीन करके, पैर से पटक करके रोन दिया, जो कि ज्वलंत आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है।